Hey guys, this is Omkar Kanna. भाइयों 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 क्या बात है यार, बहुत बढ़िया सैल्यूट है भाइयों को। कल इनकी नई बाइक की डिलीवरी हम लोग लेने जा रहे हैं मंगा साहब से। बूम पट बूम पट करती थी, अब बूम पट कौन करेगा। This is Omkar Khanna. Hey guys, subscribe to my YouTube channel. YouTube channel Khanna ji कह रहे हैं भैया बहुत सारे YouTuber already हो गए, मैं क्यों पीछे रहूं? क्यों Khanna ji? बहुत भारी है यार। हाँ। And भारी है? बहुत। अच्छा डोले बन जाते हैं ऐसे ही, मतलब जिम जाने की जरूरत नहीं है। Yes। वैसे Khanna ji ने आते ही पूछा भैया जैकेट के बारे में, राइडिंग गियर के, अभी तक हेलमेट की पैडिंग गीली है। मेरा तो सारा गीला है, ये भी अंदर से थोड़ा गीला, ऊपर से सूख चुका है, भाई साहब का भी गीला, चड्डी में है। मैंने इनको बोला घर जाओ H2 लेके दोबारा आओ। Yes। और हम निकल रहे हैं यहाँ से, H2 की चाबी लेकर आओ। ये गाड़ी में आए हम, बाइक पे हैं हम, बाइकर स्टाइल में वापस जाएंगे। गाड़ी में फॉलो करेंगे, फॉलो जैसे आप लोग करोगे हमें इंस्टाग्राम पे, फॉलो करेंगे ना, जाने का करेंगे ना, स्क्रीन पे आईडिया आ रही है, फटाफट से जल्दी से इंस्टा पे फॉलो करने का। भाई लोग देखो, मजाक मजाक में 12:10 हो गए हैं, काफी लेट हो गए निकलते निकलते, बट डीके काफी मजा आया यार, मतलब आराम से चिल टाइम स्पेंड किया हमने। अभी गर्मी बहुत दिखी है, धूप बहुत दिखी है, बट क्या करें, घर तो जाना है। अच्छा घर नहीं जाना है, हमें जाना है कावासाकी के शोरूम फॉर द बाइक डिलीवरी। एक्चुअली एज आई सेड पहले कि लोग डिलीवरी लेते हैं, हम डिलीवरी देते हैं, अब क्या होने वाला एग्जैक्टली, वेट एंड वॉच। अरे भाई क्या करने वाला है, क्या करने वाला है, इधर से जाना है। वैसे बहुत कंफ्यूजिंग है यार, ये NH8 पे ना ये यूटर्न है, दिल्ली जाने वालों को कई बार लगता है कि यहाँ जाना है सीधा, बट ये फ्लाईओवर ऊपर चढ़ने के बाद टर्न ले लेता है। वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल लेक्सस कार मैन, लवली, आई गेस E5300 थी। भाई ऐसे कंफ्यूज जो लोग होते हैं ना भाई, पता नहीं क्या करके मानते हैं, ये आगे से उतर के ले लेते रॉन्ग साइड यार, मतलब इतना रिस्क लेने की जरूरत ही क्या। और वैसे भी आपको मैं बता ही चुका हूँ मेरे को बहुत डर लगता है, आपने देखा होगा आगे मेरे को रुकना पड़ा, बट मेरी नज़र पहले पीछे जा रही थी, भैया पीछे से कोई तो नहीं ठोकने वाला मुझे। सॉलिड चेकिंग हो रही रे, सॉलिड चेकिंग, इसीलिए लग रहा है थोड़ा सा जाम, बट हम लोग पहुंच गए कावासाकी के बहुत ही नजदीक, राइड का आ गया, बहुत ज्यादा मजा भाई लोग, मतलब यार NH8 पे बाइक चलाने का अलग ही मजा है। ओपन हाईवे, नाइस, विद लेस ट्रैफिक टुडे। अभी अपने को ऐसा लग रहा है कि किसी भी मूवमेंट पे, रुक जा भैया, किसी भी मूवमेंट पे हमारी भूसा में धोखा दे सकती है, क्योंकि रास्ते में ना एक भी पेट्रोल पंप नहीं मिला और ये लाइट बहुत देर से जल रही है और यहाँ पे फ्यूल बस खत्म ही होने वाला है। ओह यस, गॉट एन आइडिया सर जी, कुतुब मीनार के सामने वाले पेट्रोल पंप पे मिल जाएगा मुझे 97 डाल दो जी, 103 रुपये लीटर। तो मुझे लग रहा है ये भाई लोगों ने पहचान लिया जो लोग ट्रक में है, यूट्यूब पे देखा है, चलो बहुत बढ़िया। हाँ जी क्या हाल है, पहचान लिया था, वाओ क्या बात है यार, बहुत बढ़िया सैल्यूट है भाइयों को। लद्दाख वाले बेस्ट है ना, बोलता हूँ मैं लद्दाख वाले बेस्ट है, ये लोग भी बोलते हैं, तो यार जल्दी से सब कुछ ठीक हो जाए। ये भूटान में था इसलिए बोल रहा है, सही है। ऑल राइट लेडीज एंड जेंटलमैन, वो घड़ी आ चुकी है जब मैं एक सरप्राइज अनवील करने वाला हूँ, मैं बाइक ले रहा हूँ या दे रहा हूँ, तो मैं आपको बता देता हूँ, पिछले महीने मैंने एडवांस ले लिया था 10 का, आपको पता है हमारी परी का, आज उसके जाने का समय हो गया, विदाई का समय हो गया, क्योंकि एक वीडियो में मैंने आपको बताया था कि भाई सेप्टेम्बर में जाएगी, अगस्त में मैंने टोकन ले लिया था, और अभी हर बार की तरह मैं सबसे पहले हूँ, मेरे भाई लोग थोड़े पीछे रह गए हैं। सो जिन्होंने बाइक लेनी ऑलरेडी अंदर आ चुके हैं, तो अभी फाइनल पेपर हम लोग साइन करेंगे और उसके बाद में आज हम अपनी डोली फेर देंगे, मतलब विदाई दे देंगे परी को। का ना मतलब इंतजार कर रहे थे सब लोग, वो आगे फाइनली अभी परी पराई हो जाएगी। मैं शायद से वही डिस्कस कर रहा था यार, क्या हिस्टोरिकल डे था, yes. कितने दिल से कितने चाव से हम लोग अपने घर ले गए थे ना टेनर को। अच्छा मैंने ना एक बाइक ले ली, नहीं
दुखी हूँ क्योंकि बाइक बहुत प्यार से ली थी और हिस्टोरिकल थी, 2000 से ज्यादा लोग थे जब ये बाइक दुनिया के सामने आई थी। हाँ, वो दिन भी बड़ा गजब का था। और मुझे नहीं ऐसा लगता अगले एक दो साल में कोई ऐसा मीटअप भी कर सकता है या इससे पहले कभी किसी ने किया होगा इतने बड़े लेवल पे बाइक डिलीवरी ली होगी इससे बड़ी, मतलब आई डोंट थिंक सो। लोग आते हैं बाइक डिलीवरी पे 50, 100, 200, 500, बट 2000 लोग, मैन टू मच, राइट। सो एनीवेज अभी टाइम आ गया मिलवाने का विद द न्यू ओनर, मीट सचिन। क्या हाल है भाई, उतार दो एक बार यार, ख्याल से रखनी है, इज्जत से रखनी है। डेफिनेटली सही है। कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा फील हो रहा है। सीरियसली? यस। चलो आपकी कौन सी बाइक है, पहली दूसरी तीसरी बता दो। मेरी थर्ड बाइक है। इससे पहले क्या चला रहे हैं? G900। ओके ओके, वो मैंने सेल करके अब अपग्रेड किया 10R पे। बूम पट कौन करेगा? एस2 करेगी। एस2 करती नहीं है यार। करेगी ना? करेगी, बहुत जल्दी करेगी। ओहो, तो हो, हम भूल गए, हमने सामान ऑर्डर करना है। बूम पट होगी। वैसे दोस्तों ये पीछे देख रहे हो ब्यूटीज, हमें भी इनको थोड़ी देर के लिए छोड़ के जा रहे हैं, बहुत भूख लग रही है, तो हम जा रहे हैं खन्ना जी की टियागो में। खन्ना जी गाड़ी वाले नहीं, अब करेंगे एंजॉय, अभी कार में बैठे ना, अभी तक तो धूप में बाइक में बैठ चला रहे थे ना। तुमने ध्यान नहीं दिया, भाई ने थैंक यू भी बोला एंड में। भाभी जी का कॉल आ गया था, सुबह से बाहर निकले हुए, खुद ही अकेले के लिए एंजॉय कर रहे हो। कह रहा एंजॉय तो अब करने लगे, अब गाड़ी में बैठे, इससे पहले तो बाइक चला रहे थे, गर्मी थी। सो भाई लोग, हमारा बर्थडे बॉय आ गया है, बर्थडे बॉय के लिए एक बार कमेंट में भी विश करना है। जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। तो भाई लोग, ये हमारे बॉस साहब है, रिच मैन है, ये बाइक ले लेते कैश पे, हमें तो लोन वोन कराना पड़ता। तो फिलहाल इनकी नई बाइक की डिलीवरी हम लोग लेने जा रहे हैं। बंगा साहब ऑल सेट? ऑल सेट, यस। तो भाई देखो, डिलीवरी ये लेंगे, बट पहली व्हीली, पहली स्टॉपी, पहली राइड तो मैंने ही करनी है। चेंसो मेरा। तो अभी क्या है ना, ये वाला वीडियो यही क्लोज करेंगे, संडे राइड हमारी खत्म हो गई, अब कहीं पे जाएंगे, खाना वाना खाएंगे, उसके बाद में टी शर्ट बदल के नया ब्लॉग चालू करेंगे, तो वो भी देखना बनता है। इस वीडियो में इतना ही। अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मेहनत हमारी एंड प्यार आप सभी का। कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग। साइनिंग ऑफ जेसन, विद टीम जेसन, बाय बाय।